एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है, कांग्रेस के उम्मीदवारों से जुड़ी हुई अपडेट है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। विधायक को चुनाव लड़ाने पर विचार किया जा रहा है, इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता दें। करनाल लोकसभा सीट जो अब और भी ज्यादा हाई प्रोफाइल हो चुकी है मनोहर लाल के मैदान में उतारे जाने के बाद, अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार डिस्कशन यहां कर रही है। करनाल के उम्मीदवार को लेकर डिस्कशन दोबारा से, विधायक को चुनाव लड़ाने पर हो रहा है विचार। करनाल के ही किसी विधायक को चुनाव लड़ाने पर कांग्रेस पार्टी में अंदर खाने बातचीत चल रही है। कांग्रेस के मौजूदा विधायक को लड़ाया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। और दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, बड़ी खबर सामने आई है, करनाल वो सीट जो और भी ज्यादा हाई प्रोफाइल बन चुकी है पूर्व मुख्यमंत्री के मैदान में उतारे जाने के बाद, ऐसे में कांग्रेस की रणनीति किस तरह से नजर आ रही है और कितना बदलाव अब बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, कांग्रेस में लगातार टिकटों को लेकर मंथन जारी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने करनाल से अब जो है पैनल डिस्कशन जो किया है उसमें एक मौजूदा विधायक को लड़ाने की जो तैयारी है वो आज जो है कर ली है। इसको लेकर जो है बाकायदा पैनल डिस्कशन में चर्चा भी जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है और जल्द जो है उसमें जो मोहर है वो भी लगती हुई नजर आ सकती है। विधायक नीरज शर्मा के नाम को लेकर जो है पैनल में चर्चा जो है देखने को जो है मिलती हुई नजर आई है। अगर हम करनाल से बात करते हैं, हम जानते हैं किस तरीके से विधानसभा सत्र की बात करें तो जो है हम जानते हैं किस तरीके से जो नीरज शर्मा है वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ मुखर होकर जो है नजर आते हुए जो है देखने को मिलते थे। ऐसे में अभी जो है हम बात करें तो जो नीरज शर्मा है उनको तमाम जो समीकरण है जातीय समीकरण की बात की जाए उसके आधार पर जो है टिकट जो है मिलने की संभावनाओं को लेकर जो पैनल है उसमें उनका नाम जो है रखा गया है। मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है वो खुद भी जो है चुनाव कहीं ना कहीं जो है लड़ना चाहते थे, ये भी जानकारी जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी और हमेशा मुखर होकर जो है अपनी विधानसभा को लेकर जो है वो अपनी बात जो है रखते हुए नजर आते थे। हम देखते हैं कि एक अलग तरीके का पहनावा भी जो है नीरज शर्मा पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है देखने को जो है मिलता हुआ नजर आता। तो ऐसे में कांग्रेस के जो है लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर ये बड़ी जानकारी की आई। और चलिए एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। इस बीच दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक भी खत्म हो गई है, लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। तैयारियों को लेकर समीक्षा यहां चुनाव आयोग द्वारा की गई, करीब 45 मिनट तक मीटिंग चली है और चुनाव की घोषणा पर भी हुआ है विचार। और स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। स्पर्श, एक तरफ उम्मीदवारों के नामों पर मंथन तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग की भी तैयारी है, क्या माना जाए, कितना समय अभी और लग सकता है चुनाव की घोषणा में? देखिए, चुनाव आयोग की हम बात करते हैं तो ये बैठक जो है फिलहाल खत्म हो गई है चुनाव आयोग की और अब जो अगले 48 घंटे हैं वो जो है महत्वपूर्ण देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। हमने देखा था कि जो नवनियुक्त आयुक्त थे उनका जो है पदभार हुआ और उसके बाद औपचारिक रूप से जो है एक ये पुल कमीशन मीटिंग देखने को मिलती हुई जो है नजर आई। लगभग 45 मिनट के आसपास ये चुनाव आयोग की बैठक जो है देखने को मिलती हुई नजर आई और अब कभी भी जो चुनाव आयोग है चुनाव की घोषणा जो है करता हुआ जो है नजर आ सकता है। अगले 48 घंटे जो है वो बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं कि वो उस जो है कभी भी चुनाव के ऐलान के को लेकर तमाम अलग अलग राज्यों में चुनाव आयोग जाकर जो बैठ गया है या फिर कहे कि चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में रिव्यू मीटिंग है वो कर चुका है। लास्ट बैठक जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती हुई नजर आई थी और उसके बाद जैसे ही राज्य जो चुनाव आयुक्त है उनकी घोषणा हुई और उसके बाद आज फुल कमीशन मीटिंग देखने को मिलती हुई नजर आई और इसमें हम बात करते हैं तो आम चुनाव को लेकर जो है चर्चा की गई कि किस तरीके से जो है चुनाव कराया जा सकता है और अब अगले 48 घंटे जो है वो चुनाव की घोषणा की तारीखों को लेकर काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया स्पर्श इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अगले 1 से 2 दिनों में चुनावों का ऐलान किया जा सकता है। चुनावी कार्यक्रम किस तरह का रहने वाला होगा ये एक बड़ा सवाल है, कितने चरण में मतदान कराया जाएगा इसको लेकर भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, करीब 45 मिनट तक ही चली है बातचीत और बैठक इस मायने में काफी महत्वपूर्ण थी चूंकि पूरा जो
नवनियुक्त आयुक्तों का औपचारिक स्वागत करने के बाद पूरा आयोग आज बैठा।